वेलकम बैक टू माय चैनल माधवी वर्मा व्लॉग्स। तो आप सब कैसे हो? बढ़िया, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करने वाली हूँ। मैं अपनी प्रेगनेंसी की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ आपसे कि मैंने क्या क्या फेस किया अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में, प्रेगनेंसी कैसे हुई। मेरी बेटी है 10 ईयर की और मेरा बेटा है अभी 3 मंथ का, और इनमें 10 ईयर का गैप है। 8 ईयर की थी मेरी बेटी। उसके बाद हमने सोचना शुरू किया। सब बोलते थे कि 2 बेबी होना ही चाहिए, चाहे लड़की ही हो चाहे लड़का ही हो, तो 2 तो देखने ही है। तो वैसे तो हमने सोचा नहीं था, पर सब बोलते थे कि 1 बेबी और होना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो, चाहे बेबी बॉय हो या गर्ल हो, 2 भाई बहन होने ज़रूरी है। फिर हमने, मेरे हस्बैंड भी बाहर रहते हैं, जब वो आए तो हमने सोचा कि हम सोच लेते हैं बेबी के बारे में, सेकंड बेबी के बारे में हमने प्लानिंग करनी शुरू कर दी जैसे वो आए बाहर से। फिर हर मंथ हम देखते थे कि बेबी कंसीव हो जाएगा, पर हर मंथ ही निराश होना पड़ता था। फिर हम लास्ट टाइम एक बार चंडीगढ़ गए, मैं अपने मायके गई, वहाँ पे मैंने दवाई ली डॉक्टर से बता के कि मुझे कंसीव नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे एक पिल्स दी, कोई 3,000 की मैं दवाई लेके आई थी वहाँ से। मैंने खाई वो दवाइयाँ, वो खानी होती थी जैसे पीरियड्स आते थे उसके बाद खानी होती थी 5 दिन, तो मैंने वो खाई और उन्होंने बोला था कि हो जाएगा उसके बाद। फिर मैंने खाई वो दवाइयाँ, फिर नेक्स्ट मंथ फिर से कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला कि भाई हो जाएगा, 1-2 मंथ में हो जाएगा। फिर अगले मंथ और खाली मैंने दवाइयाँ, बस ऐसे ऐसे चलता रहा। फिर 2-3 महीने हो गए, फिर ऐसे ही चलता रहा, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था पिल्स खाने के बाद भी। फिर तो गए हम यहाँ पे बिलासपुर, जहाँ पे मैं रहती हूँ हिमाचल में, वहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाया। वहाँ गई मैं, अपना चेकअप करवाया जैसे ही, तो वहाँ पे जैसे ही मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी हुआ उसमें मेरे को PCOS की प्रॉब्लम बता दी। तो तब मुझे पता लगा वहाँ पे जाके, जब हमने बेबी के बारे में सोचना शुरू किया कि अब बेबी, एक और बेबी देख लेते हैं हम, तो तब मुझे पता लगा कि मुझे PCOS की प्रॉब्लम है। उसकी वजह से मेरी पूरी स्किन पे पिंपल्स, पूरी स्किन ऐसे पिंपल से भरी रहती थी। तो PCOS में ऐसा होता है कि पिंपल्स हो जाते हैं, फैट आता है आपकी बॉडी में, तो वैसा वैसा मेरे साथ भी था। और पिंपल्स का भी मैंने बताया था, और मैंने पिंपल्स की भी दवाइयाँ बहुत सारी खाई, वो पिंपल्स जाते नहीं थे मेरे। कुछ भी करने से, ट्यूब्स भी लगाई और भी, वो प्रॉब्लम मुझे इसकी PCOS की प्रॉब्लम के कारण ही था। तो सांस चढ़ रहा है बोलते हुए, मुझे चढ़ जाता है तो इग्नोर करना। तो PCOS की प्रॉब्लम थी। फिर डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, 20 दिन की दवाई दी, और उन्होंने बोला था कि आपको जब पीरियड्स होंगे तो उसके 7 डेज बाद आना आप मेरे पास, ये दवाई फिर आपको देंगे दवाई, ऐसा बोला था। फिर जब वहाँ पे चेकअप कराया नेक्स्ट टाइम, फिर अल्ट्रासाउंड हुआ, तो 7 डेज बाद गई मैं, जैसे पीरियड्स के 7 डेज बाद बुलाया उन्होंने। तो उसमें मेरे को उन्होंने, जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं, TVS अल्ट्रासाउंड होता है, वो इंटरनल अल्ट्रासाउंड, वो होता था मेरा हर मंथ, तो वो भी चला रहा ट्रीटमेंट, हर महीने जाना मैंने, फॉलिकल स्टडी शुरू होगी मेरी, तो उसमें भी कुछ नहीं होता था। और जो नेक्स्ट मंथ 20 दिन बाद बुलाया था, जो मैं आपको बताना भूल ही गई, जब 20 दिन बाद बुलाया तो मेरा जो PCOS की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। जैसे ही मेरे को पता लगा था मेरे को PCOS की प्रॉब्लम है, तो मैंने अपना खाना पीना सब कुछ चेंज कर दिया था, और सैर शुरू कर दी थी, ग्रीन टी पीनी शुरू कर दी थी, और योगा वगैरह ये शुरू कर दिया था। तो 20 दिन में मेरा PCOS की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई थी, पर तब भी कंसीव नहीं हो रहा था। फिर हम जाते रहे हॉस्पिटल, 3-4 महीने ऐसे ही चला रहा, हर मंथ जाना हमने 7 दिन बाद, और फिर फॉलिकल स्टडी होती रहती थी मेरी, फॉलिकल स्टडी होती रहती थी, और इंटरनल TVS
TVS होता था मेरा, जो इंटरनल अल्ट्रासाउंड होता है हर मंथ, उसमें एग का साइज तो ठीक आ रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका भी अगर कंसीव नहीं हो रहा, फिर लास्ट मंथ जब 4th मंथ गए थे हम फिर से चेकअप करवाने, तो डॉक्टर ने मेरे को इंजेक्शन लगाया था एक, तो उन्होंने बोला था भी हो जाएगा इंजेक्शन के बाद, फिर भी नहीं हुआ। फिर हम गए फिर दोबारा से, फिर अगले मंथ फिर से गए, फिर नहीं हुआ। 5वें महीने फिर से गए थे एक बार हम, फिर गए हम जब, तो उन्होंने बोल दिया कि अब ना आपको पेट में इंजेक्शन लगेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो पेट में इंजेक्शन लगे। जब उन्होंने पेट में इंजेक्शन बोला, लिख दिया उन्होंने लाने के लिए कि भी ले आओ इंजेक्शन और दवाइयाँ अपनी, तो हमने वहाँ से हम निकल पड़े और मतलब भाग ही गए हम दोनों कि हमने नहीं करवाना, अब देखी जाएगी, अगर होगा होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है। और डिप्रेशन, इस चीज़ का डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, बेबी ना होने का कि क्यों नहीं हो रहा, और ऊपर से लोगों की अलग टेंशन है, कर लो ये है वो है सारे, कोई मतलब जो टेंशन हमें हमें पता है कि हम सोच रहे हैं नहीं हो रहा है, पर लोग ऐसे बोल बोल के ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दे देते हैं आपको। तो ऐसा ही चला रहा, और फिर मैं एक दिन गई इनके साथ होम्योपैथी डॉक्टर के पास यहीं पे, तो उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, मैं अपनी सारी फाइल्स वगैरह लेगी जो भी मेरी फोलिकुलर स्टडी हुई थी एक्स का, और तो फिर मैंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, रिपोर्ट्स बताई, तो उन्होंने ऐसा बोला मुझे कि आपकी तो सारी रिपोर्ट्स ठीक है भाई, आपको तो बेबी हो जाएगा, बोला आप टेंशन मत लो, इस चीज़ का असर, इस चीज़ का कनेक्शन दिमाग से होता है, अगर आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा बेबी के बारे में तब भी आपको बेबी नहीं होता। तो और रिपोर्ट्स देखी जब उन्होंने, तो बोला मुझे भी आपका तो एक्सरसाइज तो बिल्कुल ठीक है, पर मैंने बताया कि वो डॉक्टर बोल रहे थे आपका एग तो बन रहा है पर रप्चर होना बहुत ज़रूरी है। तो होम्योपैथी डॉक्टर ने बोला कि अगर एग बन रहा है तो रप्चर भी हो ही जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बेबी हो जाएगा, आप टेंशन लेने बिल्कुल बंद कर दो, फ्री माइंड रहो और बेबी हो जाएगा। हमने इस बारे में सोचना छोड़ ही दिया, और टेंशन तो बहुत ज़्यादा हो गई थी लोगों की बातें, कोई तो बोल रहा अपना इलाज करवा ले, कोई कुछ बोल रहा, और ऐसा तो था नहीं कि मेरा बेबी नहीं था, मेरी एक 10 साल की बेटी थी पहले, पर हमने जो गैप डाला था उसकी वजह से वो शायद वो चीज़ होगी होगी, तो कोई समझ नहीं रहा था। और पड़ोस की भी बोल रही हैं दवाई ले लेनी थी, तो आज जैसे ताना जैसा नहीं मारते वैसे वैसे बोलना कि दवाई ले लेनी थी, तो अगर कुछ हो नहीं रहा है ये नहीं वो नहीं, वो सिर्फ मेरी टेंशन की वजह से, मुझे कंसीव नहीं हो रहा था टेंशन लेने की वजह से। तो लास्ट में फिर हमने टेंशन लेनी छोड़ दी, हमने सोचना ही छोड़ दिया कि हमारा एक बेबी तो है तो कुछ नहीं है, होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है। फिर जी ऐसे ही हो गया। फिर एक दिन सर्दियों का टाइम था, 24 फरवरी, मेरी लास्ट डेट थी 24 जनवरी जब मुझे मेंसेस आई थी, फिर उसके नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं आई मतलब, और हर मंथ ऐसा होता था हम देखते थे, जैसे भी एक दो दिन भी लेट हो जाए तो भी चेकअप कर लेना, जैसे चेक करने के लिए भी हो जाएगा, पर नहीं होता था कुछ भी नहीं। फिर वैसे ही मैंने इनको बताया कि भी ऐसा ऐसा नहीं है, अपना किट ले आओ मेरे लिए, मैंने चेक करना, ये बोलते रहने दे भाई अभी तू क्या पता हो जाए भी ऐसा वैसा, ऐसे ही निकल गए हमारे 5-6 दिन बिना चेक के। फिर लास्ट में मैंने इनसे एक दिन रात को ये ले आए मेरे लिए चेक करने को, फिर रात को तो चेक करना नहीं था क्योंकि फिर रिपोर्ट्स कहीं ना ठीक नहीं आती, तो फिर सुबह सुबह मैं वॉशरूम गई 5 बजे। डेट तो मुझे याद नहीं है, फेब लास्ट था मतलब 24 की मेरी लास्ट थी ना जनवरी की, तो 24 फरवरी के बाद या फिर मार्च जैसे में मैंने चेक किया था। फिर मेरी जैसे मैं वॉशरूम में गई और हार्ट बीट मेरी बहुत ज़्यादा तेज की क्या होगा, सही होना चाहिए सब कुछ, फिर तो टेंशन हो गई थी भी यार,
हो जाना चाहिए इस बार तो सही बिल्कुल। तो देखा तो वॉशरूम में गई मैं और थोड़ी सी फिर अपना यूरिन का सैंपल डाला उसमें, किट में डाला जैसे ही, और मेरे हाथ पैर ऐसे ऐसे कांप रहे हैं ठंड से और डर के मारे, पूरी कांप दी अंदर बाथरूम में। फिर 2 मिनट बैठी रही, पहले तो कुछ भी नहीं आया ऐसे बिल्कुल प्लेन, और जैसे ही रेड लाइन आई और मेरे तो कांपना डबल हो गया, मैं ऐसे ऐसे कांप रही जोर जोर से, और कांपती कांपती मैं रूम में आई और मैंने इनको बताया। बोला ये देखो, बोलते क्या हो गई, मैंने बोला ये रेड लाइन आ गई। बोलते अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं हुई तो सो जा, बोला कुछ नहीं है टेंशन मत ले। और मैं कांपी जा रही कांपी जा रही, बोले कांप क्यों रही है, सो जा आप, कुछ नहीं है टेंशन नहीं ले, फिर सुबह बात करेंगे। सुबह 5 बजे मैंने चेक किया, अभी मेरे पास किट पड़ी है और चलो कंसीव हो गया। फिर नेचुरली बिल्कुल PCOS के बाद मैंने कंसीव कर लिया। थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ अपनी बात बता के। फिर कंसीव हो गया, फिर जी अभी कंसीव हुआ ही था, अभी डॉक्टर के पास मैं गई भी नहीं थी। तो उसके बाद एक और प्रॉब्लम जी, प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे ही कंसीव हुआ उसके बाद 2-4 दिन तो ठीक रहा जैसे ही चेकअप करवाने जाना था, उसके बाद मुझे स्पॉटिंग की प्रॉब्लम होने लगी, वो नहीं हटी। फिर मैं चेकअप करवाया ही, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है ऐसे हो जाता है ठीक हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ। फिर तो बस उसके बाद 2-4 दिन बाद फिर गई, फिर वहाँ पे बताया कि ये तो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है डॉक्टर। तो फिर उन्होंने मेरे को प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन लगाए, 15 दिन मुझे रेगुलर इंजेक्शन लगे हैं प्रोजेस्टेरोन के, तो रेगुलर इंजेक्शन लगवाए, फिर वो ठीक हुई प्रॉब्लम स्पॉटिंग की। तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम ये होगी कि इन्फेक्शन नहीं जा रहा था, दवाइयाँ चलती रही हर हफ्ते, हर 15 दिन, हर 5 5 महीने तक मेरा यही चला रहा, हॉस्पिटल के चक्कर, जाना आना बस यही। फिर दवाई ली मैंने, फिर दवाइयाँ चली रही चली रही चली रही, और फिर जाके सब कुछ ठीक हुआ। और फिर उसके बाद बेड रेस्ट भी बोला हुआ था डॉक्टर ने मुझे, काम नहीं ज़्यादा करना जैसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऐसा था। और फिर बस 5 महीने तो मेरे ऐसे ही निकल के, और गुगु के पापा भी जाने वाले थे, फिर वो बाहर रहते हैं फॉरेन में, तो उनकी भी फ्लाइट की टिकट आ गई और वो चले गए फिर से सऊदी अरेबिया। तो गुगु के पापा चले गए, फिर मैं रह गई अकेली। फिर मैं रोज़ जाती थी, मतलब जब भी मेरा चेकअप होता तो मैं अकेले जाती थी हॉस्पिटल, फिर आना लाइनों में खड़ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और निकल गया लास्ट टाइम भी ऐसे ऐसे, फिर लास्ट में मम्मी आ गए थे मेरे पास, फिर गए हम हॉस्पिटल, फिर आ गई मेरी डिलीवरी डेट, और फिर गए हम। उस दिन भी मैं पैदल पैदल गई यहाँ से, हमारे घर से साथ में ही है ऊपर थोड़ा सा जाके, तो यहाँ से 5 मिनट लगते हैं पैदल जाके भी हॉस्पिटल के लिए। तो फिर चले गए हम हॉस्पिटल, वैसे मेरे को डेट दी थी 4 5 दिन पहले की, तो दिवाली के टाइम की डेट थी मेरी। 21 तारीख को मेरे को बुलाया था, तो 22 को ऑपरेशन था मेरा, पर वो चेंज होके मेरी डेट हो गई थी 27 को, उन्होंने जब मैं करवाने एडमिट होने गई तो उन्होंने चेंज कर दी डेट, क्योंकि छुट्टियां पड़ रही थी बीच में, दिवाली भाई दूज वगैरह की अक्टूबर में। तो फिर जी चले गए फिर से अक्टूबर में, फिर गए हम, फिर वापस आ गए। उस दिन मैं पैकिंग वगैरह करके गई थी, मेरी वीडियो देखना आप, मैंने डाली हुई है पूरी वीडियोज हैं मेरी, वो भी देखना जाके। फिर मैं गई वहाँ पे, फिर 27 को बुलाया मेरे को, 21 को गई थी 22 को था वैसे, फिर वो छुट्टियाँ आ गई बीच में तो कैंसिल हो गया मेरा। फिर 21 को गई 22, 21 को नहीं गई 27 को गई मैं, 28 को मेरा ऑपरेशन था। ऑपरेशन में भी फिर वही, फिर ऑपरेशन था मेरा 28 को, पर वो कैंसिल हो गया था 28 को। 27 को रात को ही मेरे को 10 11 बजे उन्होंने बताया कि भी आपका ऑपरेशन 28 को नहीं, अब 29 को होगा, कि ऑपरेशन बहुत सारे हैं तो आपका 29 को होगा ऑपरेशन। फिर जी पहले तो उनको मनाया कि भी हो जाए तो ठीक है, फिर उन्होंने बोला भी 29 को ही होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए हैं पेशेंट और डॉक्टर एक ही है,
तो ठीक है, मैंने बोला चलो 29 को हो जाए, पर लेट ना हो इससे ज़्यादा, क्योंकि सरकारी में कराया फिर नंबर लगने को भी ऐसा हो जाता है कई बार, फिर वो भी हो गया। फिर 27 को सरकारी हॉस्पिटल साथ में था, 5 मिनट का है पैदल जाके, तो 27 को गई थी मैं। 28 को मैं नहाने सुबह सुबह 7 बजे आ गई मैं चुपके से कैंटीन में खाने के बहाने। मैंने साथ वाले बेड वालों को बोल दिया, ऐसा बोला कि मैं आई ना, आप ऐसा बोलना कि वो कैंटीन में गई है कुछ खाने पीने चाय वगैरह लेने सुबह सुबह 7 बजे, और भी आ रही है अभी। और मैं घर आई, मैं नहाई और मैंने 2 मट्ठियाँ और चाय खा ली, चाय पी ली, और मैं फटाफट 8 बजे फिर भाग गई यहाँ से भाभी के साथ स्कूटी पे। भाभी लेगी मेरे को वापसी में, रोड वाइज जैसे रोड से जाएँ तो वो लंबा पड़ता है ना ऐसे स्कूटी पे, पर यहाँ से ऐसे जैसे पहाड़ चढ़ना हो सीढ़ियाँ जैसी हैं, तो हमारा ये पहाड़ी एरिया है तो यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के वो सीधे ही ऐसे हॉस्पिटल ही है सीढ़ियाँ चढ़ते ही, तो वहाँ से उतर आई थी मैं। आज जाती बार मैं स्कूटी पे चली गई भाभी के साथ, और जैसे ही मैं अपने बेड के पास पहुँची हूँ अपने वार्ड में, तो उन्होंने बताया कि जो साथ वाले बेड वाले जिनके ऑपरेशन थे, आपका ऑपरेशन भी आज ही है। मैंने बोला नहीं, उन्होंने कैंसिल कर दिया मेरा ऑपरेशन, वो तो कल होगा। नहीं, उन्होंने बोला भी आपको बोल रहे थे वो, भी तैयार हो जाओ, भी खाना नहीं आपने कुछ नहीं। तो मैंने तो बोला मैं तो खा के आई हूँ 2 मट्ठियाँ और चाय, बोला। फिर मैंने डॉक्टर को बताया, मैंने बोला नर्सिस को, डॉक्टर को नहीं, पजल होगी। फिर मैंने नर्स को बताया कि भी, फिर मैं मिली उनके नर्स के रूम में जाके, नर्सिंग रूम में। फिर मैंने बताया कि मैं तो खा के आई हूँ 2 मट्ठियाँ और चाय, फिर उन्होंने बोला ठीक है तो अब मत खाना कुछ नहीं, आपने ना रेडी हो जाना है अब। फिर ड्रेस वगैरह आई, पूरा तैयारी शैरी होने लगी, अभी घर में ही थे सारे, उनको ये वहाँ पे मैं तैयार हो रही, और अकेली थी मैं, मम्मी वगैरह सारे भाई वगैरह आए हुए थे, सारे घर में थे, मतलब उनको किसी को भी नहीं पता ऑपरेशन है। फिर मैंने जब तैयार होने को बोला, उन्होंने, मैं तैयार होने भी चली गई, तब मैंने फ़ोन किया तो सारे भागने लगे एकदम से, तैयार होके आने लगे। फिर जी आ गए वो हॉस्पिटल, और मैं तैयार हो चुकी थी, मेरा ट्रिप वगैरह ड्रेस वगैरह मैंने पहनी हुई थी सब कुछ, और फिर बस डिलीवरी रूम, फिर डिलीवरी होनी शुरू होगी, पहले एक की हुई, फिर दूसरे, तीसरा नंबर मेरा था। तो जी तैयार करके वो ले गए ऑपरेशन थिएटर, मेरे को मेरा ऑपरेशन ही होना था क्योंकि फर्स्ट भी मेरी सिजेरियन ही है, बेबी बेटी है मेरी जो, वो भी सिजेरियन से ही हुई है, तो नेक्स्ट ये वाला भी सिजेरियन ही था। तो फिर जी गई मैं ऑपरेशन थिएटर में, वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है अपनी, डिलीवरी ब्लॉग बनाया मैंने। तो फिर जी वहाँ गए ऑपरेशन थिएटर में, बैठ गई, मेरे से पहले एक ऑपरेशन था, नक्षी थ्रो हो गया, ये है मेरा बेबी बॉय, अभी 3 मंथ का है, नक्षित सोया है अभी, ठंड का मौसम है, बस अभी फरवरी चला हुआ है। बस फिर जी ऑपरेशन थिएटर गई, आधे घंटे बाद, आधा घंटा मैं ऑपरेशन थिएटर में बैठी, उसके बाद मेरा बेबी बॉय आ गया नक्षित, अभी सोया हुआ है, नहीं तो मैं बताती नहीं रही, नक्षित 3 मंथ का हो गया है। तो यहाँ और हमारा बेबी आ गया हमारे पास, और डिलीवरी भी हो गई, और मैंने उनको बताया हुआ था कि मेरा 29 को ऑपरेशन, पर मेरा 28 को हो गया था। और जब उन्होंने अपना फ़ोन ऑन किया, नेट ऑन किया, तो उनको मैसेज आ रहे थे सबके डिलीवरी का, मैंने भी बताना था तो मैंने भी कॉल की थी उनको, पर उनका जा रहा था नेट ऑफ क्योंकि उनकी ड्यूटी थी, तो उन्होंने ऑफ करके सो गए क्योंकि नेक्स्ट डे था मेरा ऑपरेशन। फिर वो, उनको भी सरप्राइज ही मिला, जैसे वो उठे वहाँ पे तो देखा कि काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं कॉन्ग्रेचुलेशन का, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर उनका सबसे पहले मेरे को ही फ़ोन आया, जैसे ही उठे देखा उन्होंने मैसेज वगैरह तो मेरे को फ़ोन किया, तो नक्षित मेरे साथ ही था, और वो इमोशनल हो गए। बस ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा, आपको कोई PCOS की प्रॉब्लम है, PCOD की प्रॉब्लम, तो आप एक्सरसाइज करो, अपने खाने पीने पे ध्यान दो, क्योंकि ये अपने, हमारे खान पान से
जो हम कुछ भी खाते रहते हैं, खाने पीने का ढंग नहीं है, सोने का ढंग नहीं है, इन चीज़ों से हो जाता है, PCOS की प्रॉब्लम, PCOD की प्रॉब्लम। तो और टेंशन नहीं लेनी है सबसे ज़्यादा, ये तो मैंने भी देखा, अगर टेंशन लोगे तब भी ये चीज़ नहीं होती है, कंसीव नहीं होता है। तो फ्री माइंड रहना है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा कंसीव, तो टेंशन नहीं लेने का। तो ये थी मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी, और मैं डेली व्लॉग्स भी बनाती हूँ, मैंने अपनी डिलीवरी के टाइम सारे ब्लॉग्स बनाए हैं, अपने रूटीन चेकअप के ब्लॉग, डिलीवरी ब्लॉग, और बेबी प्रेडिक्शन पे भी ब्लॉग बनाया हुआ है, तो ज़रूर देखना मेरे चैनल पे जाके। तो ये थी मेरी स्टोरी, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे डेली ब्लॉग्स भी ज़रूर देखना जाके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।